हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? सो आई होप आप सब बहुत अच्छे हो। एंड अब रात के जो है 11:30 बज गए और मैं अभी वीडियो शूट कर रही हूँ। क्यों? क्योंकि आप सब लोगों के बहुत से मैसेजेस आए इंस्टाग्राम पे, एंड आधे से ज़्यादा जनों के जो मैसेज आए थे ना, मैम हमारी जो है लॉग इन नहीं हो रही है मॉक टेस्ट। देन उसके बाद जो है एक का मैसेज आया था, मैम हम बहुत डर गए हैं, ICSI का न्यू नोटिफिकेशन आया है CSEET बच्चों के लिए। देन उसके बाद एक मैसेज आया था, मैम ये क्या टेस्ट कंपलसरी है क्या? अब क्या करेंगे मैम, हमने तो स्टडी स्टार्ट नहीं की है। मैम ये जो है मॉक टेस्ट से तो डर लग रहा है, अब क्या करें? तो यहाँ पे गाइस, एंड एक और इम्पॉर्टेंट बात, क्या ओरिएंटेशन प्रोग्राम हम CSEET वाले बच्चों के लिए है? तो ठीक है, मैं ओरिएंटेशन के लिए भी बताती हूँ, बट सबसे पहले जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि मॉक टेस्ट आप लोगों के लिए बिल्कुल कंपलसरी नहीं है। नंबर वन नोट कर लो, मॉक टेस्ट कंपलसरी नहीं है, जब मन हो तब प्रिपेयर करना, ठीक है। देन सेकेंड बात ये है कि अब यहाँ पे देखो क्या इशू है, वेबसाइट पे आप सब लोग क्या है, सबके पास नोटिफिकेशन आ गई है, सबके पास मेल आ गया है, ओके। बहुत से बच्चों को तो मेल समझा भी नहीं क्या है, तो अब सब क्या कर रहे हो, वेबसाइट पे विजिट कर रहे हो। तो गाइस वेबसाइट पे ऑलरेडी बहुत से बच्चों के इशू है, प्री एग्जामिनेशन के रिलेटेड, ओरिएंटेशन के रिलेटेड। देन उसके बाद जो इतने बच्चों की कंप्लेन लॉन्च की हुई है, उनको भी उनका रिप्लाई आ जाए ICSI की तरफ से, तो एंड ऊपर से बच्चों ने किसी की पेमेंट डबल हो गई है तो उसका रिफंड आना बाकी है, जो ICSI के प्रेसिडेंट ने कहा है कि वो रिफंड कर देंगे, एंड किसी का पेमेंट सक्सेसफुल हो रहा है। तो इतने ज़्यादा बच्चे जो है वेबसाइट पे जो है जब विज़िट करेंगे तो प्रॉब्लम होगा कि नहीं? तो इसके लिए अगर आपका मॉक टेस्ट नहीं स्टार्ट हो रहा है, कंपलसरी तो वैसे भी नहीं है, जब चाहे तब दो, ठीक है, बट अगर नहीं स्टार्ट हो रहा है तो पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। प्लीज़ डरो मत, कंपलसरी नहीं है, फिर से कह रही हूँ, बार बार जो है कह रही हूँ कंपलसरी नहीं है। क्योंकि बच्चे क्या है, अब ये सवाल आता है, मैम प्रिपेयर नहीं किया है टेस्ट कैसे देंगे? ये काउंटेबल नहीं है, ओके। ऐसा नहीं है कि ये मॉक टेस्ट दिया तो आपकी मार्क्स काउंट करेंगे, नहीं, ओके। देन सेकेंड बात ये है कि बहुत से बच्चों को IDN पासवर्ड नहीं पता है। क्यों नहीं पता है? क्योंकि आप लोगों ने जनरल इंस्ट्रक्शंस जो उन्होंने दिए थे वो रीड नहीं किए, बट उनका IDN पासवर्ड है ICSI, ओके। ICSI कैपिटल लेटर्स में है, मैं अगेन रिपीट कर रही हूँ, कैपिटल लेटर्स में है। थर्ड पॉइंट यहाँ पे ये है गाइस कि अगर आप ICSI लिख रहे हो कैपिटल में, लैपटॉप से भी कर रहे हो, कंप्यूटर से भी कर रहे हो, इशू ये आ रहा है कि लॉगिन नहीं हो रहा है। 80% बच्चों ने मुझे आज जो है मैसेजेस किए थे ना, मॉक टेस्ट कल से मैं यही सुन रही हूँ, मैम लॉगिन नहीं हो रहा है। मैंने सबको कहा गाइस टेक्निकल इशू है, आप उनको जो है मेल कर दो, रिप्लाई आ जाएगा, बट आप वेट करो, क्योंकि क्या है यहाँ पे उनका जो है वेबसाइट पे कुछ ग्लिच होगा जो वो सॉल्व कर देंगे। क्या है, एट अ टाइम इतने बच्चे दोगे तो कहीं ना कहीं तो किसी ना कोई या किसी ना किसी बच्चे का तो वो हैंग होगा ही, ओके। एंड देन फोर्थ इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है, अगर आप ये टेस्ट दे रहे हो अपने फ़ोन से तो प्लीज़ बिल्कुल मत देना, क्योंकि उन्होंने पहले से ही क्लैरिफाई कर दिया है कि आप अगर ये टेस्ट फ़ोन से दे रहे हो तो बिल्कुल मत दीजिएगा, टैबलेट से दे रहे हो बिल्कुल मत दो, आप ये जो है टेस्ट जो है लैपटॉप से दे सकते हो, PC से दे सकते हो, फ़ोन से करोगे ना। अब क्या है, फ़ोन से करोगे तो फ़ोन में गूगल क्रोम में करोगे, वहाँ पे डेस्कटॉप कर दोगे कि डेस्कटॉप की तरह गूगल क्रोम जो आपके फ़ोन में चलेगा, तभी भी नहीं चल रहा है गाइस, तो मत ट्राई करो। एंड अब यहाँ पे फिफ्थ जो है इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है, अब लॉकडाउन है, मेन मुद्दा ये लॉकडाउन है, तो बहुत से बच्चों के पास ना घर पे लैपटॉप नहीं है, कंप्यूटर नहीं है, एंड साइबर कैफ़े भी बंद है, तो क्या करें? तो गाइस कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप अपना स्टडी मटेरियल रेफ़र करते रहो, और कुछ जो है आपको करने की ज़रूरत नहीं है। ये जो है टेस्ट दी गई है, कंपलसरी नहीं है, नहीं दोगे कुछ भी नहीं होने वाला है गाइस आगे, बस ये इसके लिए दिए आपको आइडिया मिल जाए कि ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, वो जो है आपको बाद में भी दोगे, लॉकडाउन खुल जाएगा, खुलेगा नहीं खुलेगा कोई आइडिया नहीं है, क्या होने वाला है अभी 14 अप्रैल को ही पता चलेगा हमें कि क्या गवर्नमेंट का डिसीजन है, तब आप डिसाइड करो। अब फिलहाल 7 डेज आप आराम से स्टडी करो। और उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है गाइज यहाँ पे कि ये जो मॉक टेस्ट है ये सैम्पल टेस्ट पेपर है, सैम्पल टेस्ट पेपर है, आप जो है ये इसके क्वेश्चन टिक कर रहे हो, टुक्का भी मार रहे हो ना, इसका आंसर, इसका रिजल्ट आपको ऑन द स्पॉट नहीं मिलेगा, ICSI अपने आंसर्स अपलोड करेगा या आपको मेल कर देगा आपका रिजल्ट, कोई आइडिया नहीं है, बट वो जो है नॉर्मली जो है आंसर्स अपलोड कर देगा, आपको टेस्ट करने होंगे, मतलब चेक करने होंगे कि आपके आंसर्स राइट है कि रॉन्ग है, ओके। उसके बाद अब यहाँ पे देखो और क्या है टेस्ट में, अब देखो टेस्ट में MCQs होंगे, ठीक है, 120 MCQs होंगे, ओके, एंड 120 मिनट्स के लिए होंगे, यानी वहाँ पे टाइम लिमिट है 120 मिनट्स, ओके। उसके बाद नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है, आप अगर इस टेस्ट को अपने लैपटॉप PC में
ओपेरा ब्राउज़र में दोगे या किसी दे रहे हो ना, नहीं चलेगी। कौन से ब्राउज़र्स में चलने वाली है उन्होंने मेंशन कर दिया है, उन्होंने मेंशन किया है गूगल क्रोम में, ओके, देन उसके बाद फायरफॉक्स, ओके, एंड देन उसके बाद इंटरनेट एक्सप्लोरर 9.10 वर्जन जो भी होगा। उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है गाइस, अभी अगर जिसका लॉगिन हो रहा है ना, तो यहाँ पे देखो क्या इशू होगा। आपने टेस्ट खोली, ठीक है, टेस्ट ओपन कर दी, अब कुछ क्वेश्चंस जो है आपको समझ में नहीं आए, क्या कर दोगे, बस बंद कर दोगे, फिर मन हुआ फिर से दी, तो गाइस फिर लॉगिन नहीं हो रहा है। तो क्या करो आप जो है ना, अपने लैपटॉप पीसी में हिस्ट्री क्लियर करना पहले, देन उसके बाद लॉगिन करना। तो एक ये है तरीका, लॉगिन हो जाएगा। उसके बाद जो है आपको देखो टेस्ट आपकी जैसे ही कंप्लीट हो जाती है, यहाँ पे उन्होंने इंस्ट्रक्शंस में बता दिया कि क्लॉक विल बी सेट एट द सर्वर, ओके, और जो काउंटडाउन है वो आपको टॉप में दिखेगा। एंड उसके बाद जो है सबमिट बटन पे आपको जो है क्लिक करना है, कब वो जो है सबमिट बटन आपको 60 मिनट्स के बाद ही दिखेगा, यानी कि स्टार्टिंग के 60 मिनट्स में वो नहीं दिखने वाला है, 60 मिनट्स के बाद ही आपको दिखने वाला है, ओके। एंड उसके बाद जो है अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, MCQs जो है, अगर आपको जो आंसर नहीं टिक करना है तो उसके लिए आपको क्या करना है, क्लिक ऑन द रेडियो बटन ऑफ द वन ऑफ द ऑप्शंस, ठीक है, ये तो क्लियर है। और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो जनरल इंस्ट्रक्शंस में उन्होंने दी गई है वो ये है कि आपको जो है ना प्रिफर्ड स्क्रीन रिजोल्यूशन, आपके लैपटॉप, आपके PC या साइबर कैफे में भी जा रहे हो तो वहाँ पे चेक करना कि स्क्रीन रिजोल्यूशन जो है वो कितना है, 1024x768 ये होना ही चाहिए, ओके। और इंटरनेट कनेक्शन जो है बहुत ही अच्छी स्पीड होनी चाहिए, मिनिमम स्पीड उन्होंने दे दी है कि 512 किलोबाइट्स होनी ही चाहिए पर सेकेंड, तो ये एक बात है। उसके बाद जो उन्होंने जो है आपको मेल एड्रेस दे दिया है, आपको उस पर मेल करना है, बट गाइस मैं फिर से कह रही हूँ आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, प्रिपेयर हो जाएगा ना, आराम से टेस्ट दे देना, और टेस्ट वो लोग अपलोड करेंगे, ICSI जो है और टेस्ट अपलोड कर रहे हैं आपके ऊपर। ICSI ने कुछ भी मैंडेटरी जो है कंपल्शन नहीं किया है कि आप अभी टेस्ट दो, मतलब दो नहीं ऐसा। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट गाइस, स्टडी मटेरियल ही रेफ़र करो प्लीज़, मुझे बहुत से डेली यही जो है रिपीटेड सवाल है, मैम अब जो है ICSI ने बहुत से रेफरेंस बुक भी दे दिए, तो अब क्या करें, रेफरेंस बुक भी रेफ़र करें जो ICSI का कल आपने वीडियो डाला था? नहीं गाइस, आपको जो है देखो मैं कहूँगी, हम CS फाउंडेशन स्टूडेंट्स, CS एग्जीक्यूटिव स्टूडेंट्स, हमने मॉड्यूल रीड किए, मॉड्यूल में जो है ना ऐसे 10-15 बुक्स के नाम लिखे हुए रहते हैं, हर एक बुक रीड करना पॉसिबल नहीं है गाइस, ओके। तो आप अपने स्टडी मटेरियल पे ही स्टिक रहो, उसी में से ही क्वेश्चन आएंगे, बाकी उन्होंने जो दिया आपको रेफर करने की ज़रूरत नहीं है। बट हाँ, करंट अफेयर्स की जहाँ पे बात आती है ना गाइस, करंट अफेयर्स के लिए उन्होंने कहा था jagranjosh.com, प्लीज़ वो रीड किया करो। देन उसके बाद examtoday.com, ये भी प्लीज़ रीड किया करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एटलीस्ट करंट अफेयर्स के लिए तो इतना कर सकते हो, बाकी 3 सब्जेक्ट के लिए नहीं करोगे चलेगा, लेकिन करंट अफेयर्स पे थोड़ा ध्यान दो, ओके। उसके बाद नेक्स्ट है ओरिएंटेशन प्रोग्राम। अब बहुत से बच्चों ये कहते हैं, मैम ओरिएंटेशन प्रोग्राम क्या है, हमें पता तो नहीं है, बट क्या मैम ये हमारे लिए कंपलसरी है? तो मैं कहूँगी नहीं गाइस, ये आप लोगों के लिए कंपलसरी नहीं है, जब CS एग्जीक्यूटिव में आ जाओगे तब आपको अटेंड करना है, अभी नहीं करना है। सो आई होप आपको जो भी है सब समझ में आ गया होगा। एंड और एक बात गाइस आपसे जो कहनी है वो है नोट्स के लिए, नोट्स मैंने अपलोड नहीं किए हैं गाइस, मेरे यूट्यूब पे इशू है, मैंने पहले भी कहा था कमेंट्स का रिप्लाई मैं नहीं दे पाती हूँ, मुझे नोटिफिकेशन नहीं आती है गाइस, मैं क्या करूँ, मैंने सारी सेटिंग्स कर ली है, क्योंकि यूट्यूब के भी जो है ना एम्प्लॉयज़ अभी घर से काम कर रहे हैं, बहुत से जनों ने जो है यूट्यूब चैनल पे उनका एडिट ऑप्शन जब हम ट्रिम करते हैं वीडियो उसमें भी प्रॉब्लम आ रही है। मैं कल जो है मैंने 2 बार वीडियो अपना डिलीट किया है, अपलोड नहीं हो रहा था, एंड डिस्क्रिप्शन में भी बहुत मुझे प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। इसके लिए ड्राइव का जो है ना लिंक मैं अगर कल नोट्स अपलोड करती हूँ मैं इंस्टाग्राम पे दे दूँगी, ठीक है, तो आप टेंशन मत लो, एंड अपना ख्याल रखो, अपनी फैमिली का भी ख्याल रखो। चलो बाय बाय, अब मैं सो